पिछले दिनों ओखलकांडा के भूमका गांव में हुए मामले को लेकर आज SWO के कार्यकर्ताओं के द्वारा बागेश्वर उपजिलाधिकारी राकेश तिवारी के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 से संबंधित प्रावधानों एवं महामारी अधिनियम 188 के अंतर्गत कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंप। भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से SWO के जिलाध्यक्ष किशन विश्वकर्मा ने कहा कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इससे आपसी मतभेद बढ़ने की आशंका है। वहीं SDM राकेश तिवारी ने कहा कि ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। बागेश्वर शिल्पकार एसोसिएशन द्वारा भी एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि नैनीताल के भूमका गांव में भोजन माता द्वारा कुछ लोगों द्वारा भोजन जो COVID-19 के तहत होम क्वारंटाइन किए गए थे ग्रहण नहीं किया गया है, तो उनके द्वारा उसी के संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। तो ज्ञापन बतौर प्रशासन के प्रतिनिधि मेरे द्वारा ग्रहण कर लिया गया और वे उस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। हमने आज ज्ञापन देने का जो मेन कारण था, जैसे कि COVID-19 के तहत जो है जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया था, ऐसे व्यक्तियों द्वारा समाज में एक इस तरीके का संदेश दिया जा रहा है कि वो सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने का जिस तरीके से अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज इतनी महामारी में भी जिस तरीके से छुआछूत जैसे भावना उनके अंदर जो पनप रही है, तो इस भावना को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को SDM साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि हम चाहते हैं कि इस पर इस तरीके की कार्रवाई हो कि जिस तरीके से समाज में समानता हो, बराबरी हो और इस तरीके के भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। बागेश्वर में जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने आज घर पर बैठकर उपवास के माध्यम से सरकार से मांग की कि बिजली और पानी का बिल माफ किया जाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों की फीस वसूले जाने पर सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार से सभी विद्यालयों को फीस न लेने के निर्देश देने की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष धीरज कोरंगा ने कहा कि पिछले 3 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। कोरोना वायरस ने अभी लोगों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है, जिस कारण सभी पर आर्थिक संकट आया है। इन समस्याओं को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार से और करते हैं कि वीरचंद सिंह गढ़वाली के अंतर्गत जितने भी हमारे बेरोजगार भाइयों के द्वारा जो भी ऋण लिए गए हैं अपने होटल व्यवसाय के लिए, टैक्सी संचालन के व्यवसाय के लिए, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम उनके 6 माह की किस्त सरकार द्वारा माफ़ किया जाना चाहिए, ताकि उन बेरोजगार भाइयों को इसमें कुछ मदद मिल सके। ये यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में जो है एक दिवसीय सांकेतिक उपवास का आयोजन यहाँ पर किया गया। COVID-19 के कारण जो आम आदमी की आर्थिक स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार द्वारा जो भारी भरकम पैकेज का ऐलान तो किया जा रहा है, 3-4 दिन माननीय वित्त मंत्री जी, हमारी जो केंद्रीय सरकार की वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण, वो 3-4 दिन यहाँ पर ऐलान कर रही है वित्त पैकेज का, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी सरकार से ये मांग है कि सीधे आम आदमी तक ये राहत पहुँचे। और हमारी यहाँ पर ये मांग थी यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में जो सांकेतिक उपवास था उसके अंतर्गत हमारी ये मांग थी कि कम से कम आम आदमी के 3 महीने का बिजली पानी का बिल माफ़ हो और टैक्सी चालकों के और छोटे व्यवसायियों की जो है किस्तों को जो है ये सरकार द्वारा माफ़ किया जाना चाहिए।